दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य केम पॉइंट केमिस्ट्री हब में। आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन चैप्टर नंबर 11 एल्कोहल फिनोल तथा इथर इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स हैं उनका रिवीजन करेंगे, जिससे आपको इससे क्या बेनिफिट मिलेगा कि कम से कम समय में पूरा का पूरा जो चैप्टर है एल्कोहल फिनोल तथा इथर का जो आपके आरबीसी और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में, वो इजीली क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। अगर अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है LCP केमिस्ट्री हब को, तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन है उसको जरूर दबा दीजिए, जिससे क्या होगा जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड होगा चैनल पर उसका नोटिफिकेशन सूचना आपके पास तुरंत आ जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपन रिविजन के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला वाला यहां पर क्वेश्चन दे रखा है उस एकमात्र प्राथमिक एल्कोहल का नाम बताइए जो आइडोफॉर्म परीक्षण देता है। तो यहां से पहला सवाल यह है कि ऐसा कौन सा प्राथमिक एल्कोहल है जो आइडोफॉर्म परीक्षण या फिर आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो इसका आंसर क्या होगा, एथेनॉल होगा। अब इसका आंसर एथेनॉल ही क्यों हुआ, मिथेनॉल ने क्यों यहां पर आइडोफॉर्म परीक्षण क्यों नहीं दिया, ब्यूटेनॉल उसने यहाँ पर आइडोफॉर्म परीक्षण वो वाला टेस्ट क्यों नहीं दिया, जिसके पीछे अपन लॉजिक समझते कि इसका बेस क्या है। तो आइए देखते हैं अपन आइडोफॉर्म टेस्ट के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है। सबसे पहली बात हो कि आइडोफॉर्म जो टेस्ट है केवल और केवल वे ही एल्कोहल प्रदर्शित कर सकते हैं, आइडोफॉर्म जो टेस्ट है केवल वही एल्कोहल प्रदर्शित कर सकते हैं जिनके पास क्या होना चाहिए, जिस कार्बन से हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ हो उस कार्बन से कम एक मेथिल समूह जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो आइडोफॉर्म टेस्ट है केवल और केवल वे ही एल्कोहल प्रदर्शित करते जिनमें से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से आबंधित है उस वाले कार्बन से क्या आबंधित होना चाहिए, कम से कम एक मिथाइल समूह या फिर मेथिल समूह आबंधित होना चाहिए। अब यहाँ पर इसकी हिस्ट्री देखिए किस टाइप से आप इसको लर्न करोगे। आइडोफॉर्म टेस्ट में रिएक्शन किसके साथ होती है, आयोडीन के साथ होती है, और इसके साथ यहाँ पर आप जो मीडियम है माध्यम है वो कौन सा यूज करते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हो। तो जैसे ही यहाँ पर रिएक्शन प्रोसीड होगी आइडोफॉर्म की, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी मिथाइल ग्रुप है ना इसका कन्वर्जन किस में हो जाता है, आइडोफॉर्म में। तो यहाँ से ये वाला मिथाइल ग्रुप है तो ये तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके आइडोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। आइडोफॉर्म का मीनिंग क्या हो जाएगा, CH3, ये सोलिड की फॉर्म में होता है तो इसकी तो क्या बन जाएगी, PPT बन जाएगी, मीनिंग अवक्षेपण बन जाएगा। साथ में जो रिमेनिंग आपके पास समूह रह गया है उसका क्या बन जाएगा, सोडियम का लवण बन जाएगा, मतलब जो भी आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसका सोडियम का लवण बन जाएगा। कितना कार्बन है यहाँ पर, 1, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर किस टाइप से बनेगी इसकी, यहाँ पर इस टाइप से कन्वर्ट हो जाएगा CO(O)-NA+, और साथ में यहाँ पर जो आयोडीन है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, यहाँ पर 0, तो यहाँ पर इस वाले का मिथाइल और जो आपके एल्कोहल इसका तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो आयोडीन का क्या होगा, अपचयन, और जब भी आयोडीन का अपचयन होगा तो आयोडीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयोडाइड में, और साथ में सह उत्पाद के रूप में आपको यहाँ पर क्या ऑप्टेन होगा, वॉटर मॉलिक्यूल ऑप्टेन होगा। तो आपको बस एक ही बात ध्यान रखनी है कि हाइड्रोफॉर्म में केवल वे ही एल्कोहल प्रदर्शित करते हैं जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह से आबंधित कार्बन परमाणु से कम क्या जुड़ा होना चाहिए, एक मेथिल समूह जुड़ा होना चाहिए। और इसकी शॉर्ट ट्रिक आप ध्यान रख सकते हो कि जो भी मेथिल समूह है ना वो तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आइडोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, मीनिंग ये किसमें कन्वर्ट होता है, CH3I में, और जो रिमेनिंग जो समूह रह गया मेथिल के अलावा जो भी समूह रह गया वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, शेष समूह है, जो भी शेष रिमेनिंग रह गया एल्कोहल के अंदर तो जो भी आपके पास शेष समूह है वो किसमें परिवर्तित होता है, सोडियम के कार्बोक्सिलिक लवण में, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम के कार्बोक्सिलिक लवण में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से ये इसकी सीधी सी ट्रिक होगी। और आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या होता है, एल्कोहल की अभिक्रिया आयोडीन के साथ और माध्यम कौन सा होता है, बेसिक होता है, एनियंस के साथ। तो यहाँ पर क्या करना, जो भी मेथल समूह उसको तो आइडोफॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, और जो भी शेष समूह रह गया उसका क्या बना देना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बना देना है, आयोडीन का अपचयन किस में करना है, आयोडाइड में करना है, और साथ में बाय प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा। अब यहां से देखिए इंपोर्टेंट सवाल क्या बन सकता है आइडोफॉर्म से, आपसे एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि एक तो आपके पास मिथेनॉल है, मिथेनॉल का मीनिंग क्या हो गया, CH3OH,
और सेकंड वाला कौन सा आपके पास एथेनॉल है, CN3CH2OH। मेथेनॉल और एथेनॉल दोनों के अंदर आपको दिख रहा है कि कौन सा वाला समूह उपस्थित है, CN3। तो यहां से ये पूछ सकता है कि मेथेनॉल तथा इथेनॉल को आप कैसे विभेदित कर सकते हो, तो आप इसको विभेदित कौन से टेस्ट के थ्रू कर सकते हो, आइडोफोरम टेस्ट के द्वारा आप इसको क्या कर सकते हो, विभेदित कर सकते हो। तो ये जो मिथेनॉल है ना, ये तो आइडोफोरम टेस्ट प्रदर्शित नहीं करेगा, लेकिन एथेनॉल कौन सा टेस्ट प्रदर्शित करेगा, आइडोफोरम टेस्ट क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। क्यों? क्योंकि एथेनॉल में हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन से आबंधित है उसके पास कौन सा समूह उपस्थित है, मेथिल समूह। और यहाँ पर देखिए जो मेथेनॉल है उसमें हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन से आबंधित है उसके पास मेथिल समूह क्या है, अनुपस्थित है। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है कि जो एथेनॉल है ना, ये वाला कौन सा परीक्षण प्रोवाइड करेगा आपको, आइडोफोरम जो परीक्षण है वो कौन सा देता है, एथेनॉल देता है, जबकि मेथेनॉल है वो आइडोफोरम परीक्षण प्रदर्शित नहीं करता है। सवाल नंबर दो देखिए यहां से, प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल की अम्लीयता का क्रम लिखिए। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको अम्लीय सामर्थ्य की तुलना करवाता है प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में, तो सबसे ज्यादा अम्लीय कौन सा होता है, प्राथमिक अल्कोहल होता है, उसके बाद में द्वितीयक अल्कोहल होता है, और उसके बाद में कौन सा होता है, तृतीयक अल्कोहल होता है। अब इसका भी अपन एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि किस प्रकार से अल्कोहल है उसका अम्लीय सामर्थ्य है वो प्राथमिक का अधिक क्यों होता है। तो आइए इसको बेसिक से समझते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके लिए। तो यहां पर देखिए प्राथमिक अल्कोहल का ये मैंने कोई एग्जाम्पल मेंशन कर दिया, CH3CH2OH, ये वाला कौन सा अल्कोहल है, ये अल्कोहल आपके पास प्राथमिक अल्कोहल। इसी टाइप से अगर बात करते हो आप द्वितीयक अल्कोहल की, तो ये लीजिए द्वितीयक अल्कोहल का उदाहरण मैंने मेंशन कर दिया CH3, और यहां पर क्या आ गया, OH। ये कौन सा अल्कोहल है, ये है आपके पास 2° अल्कोहल। सेम टाइप से अगर मैं तृतीयक अल्कोहल की बात करूं, तो तृतीयक अल्कोहल में क्या हो जाएगा कि जिस कार्बन से हाइड्रोक्सिल समूह आबंधित होता है वो वाला कार्बन आगे चलकर कितने कार्बन से सीधा जुड़ा होता है, 3 कार्बन से सीधे आबंधित होता है, तो उसको कौन सा बोलते हो आप, तृतीयक अल्कोहल बोलते। तो ये वाला कौन सा हो गया, तृतीयक अल्कोहल हो गया। अब यहां पर सवाल क्या है, सवाल ये है कि इनका अम्लीय सामर्थ्य बताना है, कौन सा सामर्थ्य बताना है आपको, अम्लीय सामर्थ्य बताना है। तो अम्लीय सामर्थ्य बताने के लिए आपको क्या करना है कि यहां पर देखिए ये वाले कार्बन से कौन सा समूह जुड़ा हुआ है, OH, और यहां से इस वाले कार्बन से कौन सा समूह जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सिल समूह, और यहां पर भी कौन सा समूह जुड़ा हुआ आपका, हाइड्रोक्सिल समूह है। तो ये वाला पार्ट तो कॉमन हो गया कि कार्बन से क्या अटैच है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। अब आपको यहां से अंडरस्टैंड क्या करना है कि यहां पर कौन से ग्रुप अटैच है, तो यहां पर देखिए मिथाइल ग्रुप मीनिंग कौन सा आ गया, CH3, और हमको पता है कि जो भी मिथाइल ग्रुप है उसका कौन सा प्रभाव होता है, प्लस आई प्रभाव होता है। यहां पर एक मिथाइल ग्रुप है और द्वितीयक अल्कोहल के अंदर कितने मेथिल समूह जुड़ी हुई है, 2, तो इसका कितना इंडक्टिव या फिर प्रेरणिक प्रभाव हो जाएगा, ये वाला मेथिल समूह भी प्लस आई प्रभाव लगाएगा, ये वाला भी कौन सा लगाएगा, प्लस आई प्रभाव। सेम टाइप से अगर आप बात करते हो किसकी, तृतीयक अल्कोहल की, तो तृतीयक अल्कोहल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से आबंधित होता है उस वाले कार्बन पर कितने मेथिल समूह जुड़े हुए, 3, तो यहां पर कितने एल्किल समूह अपना प्लस आई प्रभाव लगाएंगे, 3 जो मैथिल समूह है वो क्या करेंगे, अपना प्लस आई प्रभाव यहां पर प्रदर्शित करेंगे। अब आपको ये बताना चाहिए कि जैसे जैसे एल्किल समूह की संख्या बढ़ेगी, तो जैसे जैसे एल्किल समूह की संख्या बढ़ेगी, तो ये जो ऑक्सीजन है हाइड्रोक्सिल समूह का, इस पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है, और जैसे जैसे ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा, OH बंद का जो ध्रुवणता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जैसे जैसे OH बंद की ध्रुवणता कम होगी, तो वहां से प्रोटोन है मतलब जो हाइड्रोजन प्रोटोन के रूप में आसानी से निष्कासित नहीं होगा। तो आपको सीधा सा ध्यान रखना है कि यहां पर जो अम्लीय सामर्थ्य है, कौन सा सामर्थ्य की बात कर रहा हूं मैं, अम्लीय सामर्थ्य। अगर आप बात करते हो अल्कोहल के केस में, तो अम्लीय सामर्थ्य क्या होता है, व्युत क्रमानुपाती होता है इसके प्लस से आई प्रभाव के, मतलब जितना ज्यादा प्लस आई प्रभाव लगेगा उस वाले अल्कोहल का क्या हो जाएगा, अम्लीय सामर्थ्य क्या हो जाएगा, उतना ही कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा अम्लीय सामर्थ्य कहां पर लग रहा है, सबसे ज्यादा जो प्लस आई प्रभाव कहां पर लग रहा है, तृतीयक अल्कोहल में। क्यों, तृतीयक अल्कोहल में कितने एल्किल समूह है, 3 एल्किल समूह, और एल्किल समूह का हमेशा कौन सा प्रभाव होता है, प्लस आई प्रभाव होता है। तो यहां से अगर आपको अम्लीय सामर्थ्य का क्रम पूछे, तो यहां से अम्लीय सामर्थ्य का क्या क्रम बन जाएगा, सबसे ज्यादा अम्लीय कौन सा होगा, वो अल्कोहल सबसे ज्यादा अम्लीय होगा जिसके पास न्यूनतम संख्या में क्या उपस्थित होने चाहिए, एल्किल समूह। तो यहां से कौन सा ऑर्डर बन जाएगा, तो यहां से ऑर्डर बनेगा अम्लीय सामर्थ्य के अंदर सबसे ज्यादा अम्लीय होता है प्राथमिक, उसके बाद में द्वितीयक, और उसके बाद में नंबर किसका आता है, तृतीयक का। रीजन भी मेंशन कर सकते हो कैसे आप यहां पर डिसाइड करोगे, तो आपको सीधा से ध्यान रखना है क्या,
एल्किल समूह है, और एल्किल को मैं किससे प्रदर्शित कर रहा हूँ, आर से। तो अगर मान लीजिए क्या बोल रहा हूँ मैं कि एल्किल समूह की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। एल्किल समूह की संख्या, कोई भी एल्कोहल अगर उसके अंदर आपके पास एल्किल समूह की क्या हो रही है, संख्या बढ़ रही है। तो एल्किल समूह की संख्या बढ़ने से क्या होगा, ऑक्सीजन परमाणु पर, कौन से परमाणु पर, ऑक्सीजन परमाणु पर क्या बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है। तो ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व, ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। और जैसे ही ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, जो ओ एच आबंध है, कौन सी आबंध की बात कर रहा हूं मैं, ओ एच आबंध, इसकी ध्रुवणता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो जो भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का आबंध है, इसकी जो ध्रुवणता है, ये ध्रुवणता क्या हो जाएगी, घटने लग जाएगी। और जब भी ओ एच बंध की ध्रुवणता घटेगी तो उस वाली कंडीशन में क्या होगा, प्रोटॉन आसानी से निष्कासित नहीं होगा, प्रोटॉन है वो आसानी से निष्कासित नहीं होगा। और जब प्रोटॉन आसानी से निष्कासित नहीं होगा तो मतलब वो क्या होगा, दुर्बल अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करेगा, दुर्बल अम्लीय व्यवहार क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। अगर प्रोटॉन आसानी से निष्कासित नहीं हो रहा है मतलब वो कैसा हो जाएगा, दुर्बल अम्ल हो जाएगा। किसकी तरह व्यवहार करेगा वो वाला एल्कोहल, फिर उस वाली कंडीशन में, उस वाली कंडीशन में व्यवहार करेगा दुर्बल अम्ल की तरह। तो ये आपके लिए हिंट मिल गया कि जैसे जैसे एल्कोहल के अंदर एल्किल समूह की संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा। ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने के कारण ओ एच आबंध की ध्रुवणता घटती है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रोटोन आसानी से निष्कासित नहीं हो सकता, अर्थात एल्किल समूह की संख्या एल्कोहल में बढ़ने पर अम्लीयता घटती है। तो सबसे कम एल्किल समूह किसमें, प्राथमिक में, तो सबसे ज्यादा अम्लीय सामर्थ्य कौन से एल्कोहल का होता है, प्राथमिक एल्कोहल का होता है। सवाल नंबर 3 देखिए ध्यान से, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल की वाष्प को ताप पर कॉपर पर से प्रवाहित करने पर क्या होता है, मुख्य उत्पाद बताना है। तो यहां पर देखिए सवाल बड़ा इंपोर्टेंट था, ये तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल की बात की, तो तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल की क्या संरचना होती है, एक बार इसको देखिए। तो ये होता है आपके पास तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, जो भी एल्कोहल है उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से आबंधित होगा वो वाला कार्बन आगे चलकर कितने कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, 3 से, तभी तो कौन सा एल्कोहल होगा, तृतीय। तो ये देखिए तृतीयक ब्यूटिल मीनिंग कितने कार्बन है, 4, तो 1 2 3 4, तो ये कौन सा हो गया, तृतीयक ब्यूटिल, और एल्कोहल के लिए कौन सा ग्रुप आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो आप इसको क्या बोलते हो, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल बोलते हो। इसके अभिक्रिया की बात कर रहा है कि यहाँ पर तापमान आपको इसको गर्म करना है, और साथ में किसके ऊपर से आप प्रवाहित कर रही हो, कॉपर से। तो आपने यहाँ पर पढ़ रखा होगा कि इसको बोलते हैं उत्प्रेरकीय वी हाइड्रोजनीकरण, क्या बोलते हैं, उत्प्रेरकीय वी हाइड्रोजनीकरण। जब भी प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल होता है तो वहां पर तो क्या बनता है आपके पास, प्राथमिक एल्कोहल से क्या बनता था, एल्डिहाइड, और द्वितीयक एल्कोहल से क्या बनता था, कीटोन। लेकिन यहाँ पर ये एल्कोहल कौन सा है, तृतीयक एल्कोहल है, तो तृतीयक एल्कोहल के केस के अंदर क्या होता है, निर्जलीकरण होता है, और निर्जलीकरण होने के फलस्वरूप किसका निर्माण होगा, निर्जलीकरण होने से निर्माण होगा आपके एल्कीन का। और कौन सी एल्कीन बनेगी, ये अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए, CH3 कार्बन, इधर भी कौन सा आ गया आपके पास, CH3, ये ग्रुप तो सेम है। अब देखो यहां से तो कौन सा चला जाएगा, OH, और इस वाले कार्बन से क्या रिमूव हो जाएगा, हाइड्रोजन। तो इस वाले कार्बन का यहां से तो कौन सा ग्रुप रिमूव होगा, OH, और यहां से कौन रिमूव होगा, H। तो इस वाले कार्बन का भी कितना बोन ब्रेकडाउन किया, 1, और इस वाले कार्बन का भी कितना बोन ब्रेकडाउन होगा, 1। यहां पर क्या हो जाएगा, 1 और बोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, मीनिंग यहाँ पर फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या आ गया, CH2, मतलब यहाँ पर निर्माण किसका हुआ है, एल्कीन का निर्माण हुआ है। और कौन सी अभिक्रिया हुई है यहाँ पर, उत्प्रेरकीय वी हाइड्रोजनीकरण नहीं होकर क्या हो गया, निर्जलीकरण हो गया, क्या हो गया, निर्जलीकरण। ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल है तो उनका तो क्या होता है, उत्प्रेरकीय वी हाइड्रोजनीकरण, वहां पर तो क्या मिलता है उत्पाद, प्राथमिक एल्कोहल से एल्डिहाइड, और द्वितीयक एल्कोहल से क्या मिलता था, कीटोन। लेकिन तृतीयक एल्कोहल है, इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर क्या होगा, जब भी कॉपर से आप इसको प्रवाहित करते हो, और तापमान कितना होता है, यहाँ पर NCERT का डाटा है, तापमान होता है 573 केल्विन तापमान। तो यहां पर क्या होगा, निर्जलीकरण होता है, निर्जलीकरण के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, एल्कीन का। और इस वाली एल्कीन का नामकरण क्या हो जाएगा, ये देखिए यहां पर नंबरिंग दीजिए, 1, ये क्या हो गया, 2, और ये क्या हो गया, 3। तो 2 पर कौन सा समूह जुड़ा है, मैथिल, तो नामकरण किया जाएगा 2-methylpropene हो जाएगा। तो ये देखिए ये वाला उत्पाद क्या हो जाएगा, 2-methylpropene उत्पाद बन जाएगा। नेक्स्ट वाला देखिए, फिनोल का कवथनांक लगभग समान मोलर
द्रव्यमान वाले एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से अधिक क्यों होता है? तो यहां पर कारण पूछा है, एक तो फिनोल है और दूसरा कौन सा आपके पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है और उनकी किसकी तुलना की है, कवथनांक की तुलना की, और ये बोला कि फिनोल का ज्यादा होता है, उसका रीजन है क्या है। तो यहां पर देखिए मैं दोनों की तुलना करवाता हूं। सबसे पहले मैं मेंशन करता हूं यहां पर फिनोल और एक साइड मेंशन करूंगा मैं कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो फिनोल का मतलब क्या होता है, फिनोल का मतलब ये होता है कि जो भी हाइड्रोक्सिल समूह है ना वो किसे आबंधित होता है, एरोमेटिक वलय के sp2 कार्बन परमाणु से क्या होता है, आबंधित होता है। तो ये तो क्या हो गया फिनोल। और दूसरा बात की इसने कोई भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक का सबसे सिंपल सबसे सरलतम उदाहरण कौन सा है, बेंजीन, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोल रहा, तो यहां पर मैंने क्या अटैच कर दिया, CH3। अब देखिए यहां पर इनका जो मोलर द्रव्यमान है वो क्या है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये तो क्या हो गया आपके पास फिनोल हो गया, ये वाला तो क्या हो गया फिनोल, और ये वाला क्या हो गया आपके पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये क्या है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब आपको तुलना किसकी करनी है, कवथनांक की तुलना करनी है, मीनिंग बॉइलिंग पॉइंट की तुलना करनी है। तो ये लीजिए मैंने यहां पर मेंशन कर दिया कवथनांक, जिसको आप बोलते हो बॉइलिंग पॉइंट बोलते हो, और यहां पर इसने क्या मेंशन किया कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किसका ग्रेटर होता है, आपके फिनोल का ग्रेटर होता है, किसके कंपेरिजन में, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के कंपेरिजन में। तो इसका एक ही रीजन आएगा कि फिनोल के अंदर तो कौन सा आबंध उपस्थित होता है, अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है, बस यही रीजन है इसका, अंतर आणविक, मतलब जो भी फिनोल होता है उसके अंदर कौन सा आबंध उपस्थित रहता है, अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंधन, अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंधन, ये फिनोल के अंदर क्या रहता है, उपस्थित रहता है, जबकि इसके अंदर अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध क्या होता है, अनुपस्थित होता है। किस टाइप से पाया जाता है फिनोल में अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंधन, वो भी मैं आपको यहां से स्ट्रक्चर के थ्रू अंडरस्टैंड करवाता हूं। ये लीजिए ये वाला मैंने बना दिया फिनोल मीनिंग ओ और एच, और यहां पर मैं इसके साथ ही बना देता हूं दूसरा वाला मॉलिक्यूल फिनोल का। तो ये लीजिए यहां पर भी मैंने क्या मेंशन कर दिया फिनोल मीनिंग ओ और एच। अब यहां से अगर आप इस वाले स्ट्रक्चर को अच्छे से देखोगे तो यहां पर क्या सीन क्रिएट हो रहा है, हाइड्रोजन परमाणु है दो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के मध्य में आ रहा है, क्या करेगा एक अतिरिक्त बंध का निर्माण करेगा, और इस अतिरिक्त बंध को आप कौन सा बंध बोलते हो, हाइड्रोजन आबंधन बोलते हो। दो मॉलिक्यूल दो अणुओं के मध्य बन रहा है तो ये वाला कौन सा होगा, अंतरा आणविक या फिर अंतर आणविक होगा, ये वाला कौन सा होगा, अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंधन होगा। जब भी दो अणुओं के मध्य बनता है तो अंतर आणविक होता है, और एक के अंदर हाइड्रोजन बंध का निर्माण हो जाए इसको क्या बोलते हो आप, अंतर अणुक बोलते हो। तो यहां पर रीजन क्या हो जाएगा, फिनोल के अंदर अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंधन उपस्थित होने के कारण फिनोल का कवथनांक समान मोलर द्रव्यमान वाले एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की तुलना में अधिक होता है, और इस वाले एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का नाम क्या होता है, इसको बोलते हो आप टोल्यून बोलते हो, इसका नाम क्या होता है, टोल्यून नाम होता है, मतलब बेंजीन के ऊपर जब भी CH3 समूह लगा होता है आप इसको क्या बोलते हो, टोल्यून बोलते हो। नेक्स्ट वाला सवाल देखेंगे अब यहां से, ये हो गया फिनोल एथिल एल्कोहल से अधिक अम्लीय क्यों होता है, अब की बार यहां पर तुलना किसकी करवा रहे हैं, फिनोल और फिनोल के साथ तुलना किसकी करवाई है, एथिल एल्कोहल मीनिंग एल्कोहल की तुलना है, दोनों का जो आपके पास जो कवथनांक है सॉरी अम्लीय सामर्थ्य है उसका क्या करवा रहा है, तुलना करवा रहा है। तो देखिए किस टाइप से आपको इसकी तुलना करनी है, तो एक साइड तो आपको क्या बना लेना है फिनोल, अभी बता कर रहे हैं फिनोल का मतलब क्या है, फिनोल में जो हाइड्रोक्सिल समूह है वो एरोमेटिक वलय के sp2 कार्बन परमाणु से आबंधित होती है, और एथिनोल या इथाइल एल्कोहल इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH2OH होता है, ये हो गया आपके पास एथेनॉल। अब तुलना किसकी करनी है आपको, अम्लीय सामर्थ्य की तुलना करनी है, यहां पर आपको तुलना किसकी करनी है, इनकी अम्लीय सामर्थ्य की तुलना, और अम्लीय सामर्थ्य की जब भी तुलना करती हो तो यहां पर क्लियर कट बोल दिया अगले ने क्या, कि जो फिनोल है उसका अम्लीय सामर्थ्य क्या होता है, इथेनॉल की तुलना में अधिक होता है। कैसे पता करोगे इसका, तो यहां पर देखिए जब भी आपको अम्लीय सामर्थ्य की तुलना करनी है तो आपको क्या करना है, प्रोटॉन को हटा देना है। तो यहां से देखिए मैंने ये जो मेरे पास फिनोल था उससे किसको हटा दिया, प्रोटॉन को हटा दिया, और यहां पर क्या आ जाएगा, जैसे प्रोटॉन हटेगा ऑक्सीजन पर कौन सा आवेश आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इस वाली संरचना को बोलते हो आप फिनोक्साइड बोलते हो, यहां पर जो भी आयन बनेगा जिसको आप संयुग्मी क्षार बोलते हो, ये वाला कौन सा है, ये वाला है फिनोक्साइड आयन है, कौन सा होता है, ये वाला फिनोक्साइड होता है। सेम बात अगर आप एल्कोहल के केस में देखोगे तो यहां से जैसे आप प्रोटॉन को उठाओगे क्या बन जाएगा, CH3CH2 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पर कौन सा आवेश आ जाएगा, ऋणात्मक आवेश, ये फिनोक्साइड, और आप इसको बोलते हो एल्कोक्साइड आयन बोलते हो,
ये वाला कौन सा आयन होता है आपके पास? एल्कोक्साइड आयन होता है। तो फिनोल से तो कौन से आयन का निर्माण हो रहा है? फिनोक्साइड का। और एल्कोहल से किसका निर्माण हो रहा है? एल्कोक्साइड आयन का निर्माण हो रहा है। अब यहां पर आपको ये देखना है कि इसके अंदर तो अनुनाद क्या है? अनुपस्थित है। तो जो भी एल्कोक्साइड आयन बनता है इसके अंदर अनुनाद क्या होता है? अनुपस्थित होता है। अनुनाद क्या है? अनुपस्थित है। लेकिन जो फिनोक्साइड है इसके अंदर क्या उपस्थित होता है? अनुनाद है, वो क्या होता है? उपस्थित होता है। और जो भी किसी भी अम्ल का संयुग्मी क्षारक जितना ज्यादा स्थायित्व ग्रहण करता है उसका अम्लीय सामर्थ्य उतना ही अधिक होता है। तो यहां से सीधा रीजन क्या हो जाएगा इसका? फिनोल के आयनन से बना फिनोक्साइड आयन में अनुनाद की उपस्थिति के कारण ऋणात्मक आवेश बेंजीन वलय पर क्या होता है? विस्थानीकृत होता है, जिसके फलस्वरूप फिनोल का अम्लीय सामर्थ्य एल्कोहल की तुलना में अधिक हो जाता है। जबकि एल्कोहल से एल्कोहल के आयनन के फलस्वरूप बने एल्कोक्साइड आयन में अनुनाद अनुपस्थित होता है। तो इसका यही रीजन आ जाएगा किसके लिए? अम्लीय सामर्थ्य के लिए। तो देखिए यही मेंशन किया है अम्लीय सामर्थ्य के अंदर। फिनोक्साइड अनुनाद के द्वारा क्या हो जाता है? स्थायी हो जाता है, जबकि एल्कोक्साइड आयन में ऐसा नहीं हो पाता है। कारण क्या आ जाएगा? क्योंकि एल्कोक्साइड है उसके अंदर अनुनाद क्या होता है? अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट वाला देखिए, इथेनॉल को एथिलीन में कैसे बदला जाता है? जो भी आपके पास इथेनॉल है आपको इसको किसमें कन्वर्ट करना है? एथिलीन, मतलब क्या बनाना है आपको? एल्कीन बनाना है। तो यहां से देखिए एक इंपोर्टेंट रिएक्शन होती है जिसमें क्या होता है कि कंडीशन मीनिंग टेम्परेचर का इंपोर्टेंट रोल होता है। जैसे यहां पर देखिए, अगर आप यहां से देखिए इथेनॉल, तो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? इथेनॉल का फॉर्मूला ये होता है CH3CH2OH, ये किसका फॉर्मूला है? इथेनॉल। और यहां पर रिएक्शन किसके साथ प्रोसीड करते हो आप? H2SO4 के साथ रिएक्शन प्रोसीड करते हो, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन है। तो यहां पर ये मैंने मेंशन कर दिया H2SO4। टेम्परेचर का बस आपको सिस्टम का ध्यान रखना कि अगर मान लीजिए आपके पास टेम्परेचर है वो कितना है? 413 केल्विन है। और एक जगह आपको टेम्परेचर कितना लेना है? रेंज लेनी है 433 से लेकर 443 केल्विन। तो आपको बस यहां से यही ध्यान रखना है कि जब भी टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर है तो उस वाली कंडीशन में जो इथेनॉल है अगर आप उसका ट्रीटमेंट करते हो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और टेम्परेचर कितना है? 413 केल्विन टेम्परेचर, तो उस वाली कंडीशन में फॉर्मेशन किसका होता है? निर्माण किसका होता है? डाई एथिल इथर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? डाई एथिल इथर का निर्माण होता है। तो पूरा सिस्टम यहाँ तापमान का है। और जब भी तापमान आपने कितना ले लिया है यहाँ पर? 433 से 443 केल्विन, तो वहां पर क्या होता है? निर्जलीकरण होता है। और निर्जलीकरण के फलस्वरूप निर्माण किसका हो जाता है? एथिलीन या फिर एथीन का निर्माण हो जाता है। तो ये इंपोर्टेंट अभिक्रिया जिसमें इथेनॉल है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। बस तापमान का ध्यान रखना, 413 केल्विन पर तापमान पर अभिक्रिया होती है तो किसका निर्माण होता है? ईथर। और ईथर कौन सा है? डाई एथिल ईथर है। अगर 433 से 443 केल्विन पर अभिक्रिया होती है तो निर्माण किसका होता है? एल्किन। और इस वाली एल्किन का नाम क्या है? इसको आप एथिन बोल सकते हो, अदरवाइज एथिलीन बोल सकते हो। नेक्स्ट वाला देखिए, पर क्लोरो डाई एथिल ईथर की संरचना बनाइए। तो इसके लिए भी मैं आपको एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवाता हूँ। किस टाइप से एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके लिए यहाँ पर यूज में आएगी? जैसे डाई एथिल ईथर की बात है यहाँ पर, तो डाई एथिल जो ईथर है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है एक्चुअल में? तो डाई एथिल ईथर की ये स्ट्रक्चर होती है CH3CH2, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड CH2 देन CH3। ये कौन सा ईथर होता है? डाई एथिल ईथर होता है। अब यहां से दो इंपॉर्टेंट बात आती है। पहली वाली, अगर मैं इसकी अभिक्रिया करवा दूं किसके साथ? क्लोरीन के साथ। तो यहां पर देखिए मैंने क्या मेंशन किया है? Cl2 मीनिंग क्लोरीन। और यहां पर ये अभिक्रिया जब प्रोसीड हो रही है तो यहां पर क्या डार्क है, मतलब अभिक्रिया किसमें हो रही है? अंधेरे में हो रही है। दूसरे वाली अभिक्रिया में सेम कंडीशन मीनिंग यहां पर भी अभिक्रिया किसके साथ होगी? क्लोरीन के साथ। लेकिन अब की बार अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में हो रही है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो आपको बस यही पर एक ही बात ध्यान रखना है, जब भी अंधेरे में अभिक्रिया होती है ना तो उस वाली परिस्थिति के अंदर केवल अल्फा कार्बन है, उससे आपको एक एक हाइड्रोजन क्या करना है? रिमूव करना है। और उत्पाद कौन सा बनाना है? अल्फा अल्फा डेस डाई क्लोरो डाई इथाइल ईथर। तो यहां से देखिए ये वाला तो मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये वाला अल्फा कार्बन, और ये वाला भी कौन सा कार्बन हो गया? अल्फा। अल्फा को डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने क्या लगा दिया? डेस लगा दिया। तो जब भी अंधेरे में अभिक्रिया होती है हैलोजन के साथ तो क्या करना है आपको? अल्फा कार्बन से एक एक हाइड्रोजन को रिमूव करना है और वहां पर क्या अटैच कर देना है? हैलोजन। तो देखिए क्या उत्पाद बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH2 था तो एक हाइड्रोजन को रिमूव किया, यहां पर क्या लगा दिया मैंने? 1 Cl लगा दिया। नेक्स्ट देखिए बॉन्डिंग किसके साथ? ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड। ये वाला कार्बन भी कौन सा? अल्फा। तो यहां से भी एक हाइड्रोजन को रिमूव कीजिए,
क्या बन जाएगा सी एच, और यहां पर हाइड्रोजन की जगह क्या अटैच हो जाएगा सी एल, और नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है सी एच थ्री। ये तो कब की कहानी है, ये कहानी है तब की जब अभिक्रिया किसमें हो रही है, अंधेरे में हो रही है, और यहां पर देखिए कौन सा बनेगा अल्फा अल्फा डेज डाई क्लोरो डाई एथिल ईथर का निर्माण हो जाएगा। और साथ में अगर आप बात करते हो सह उत्पाद कितने हाइड्रोजन उठाई टू, तो टू हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ वो किसका फॉर्मेशन करेंगे टू मोलो पे एचसीएल। कितने क्लोरीन यहाँ पर यूज हुई वन टू और टू, यहाँ से टोटल कितने हो गए फोर, तो मीनिंग इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा टू आ जाएगा। नेक्स्ट वाली थिंग देखिए, अगर यहाँ पर जो अभिक्रिया है वो हेलोजन के साथ है, लेकिन अब की बार परिस्थिति कौन सी आ गई है सूर्य का प्रकाश, तो जब भी सूर्य का प्रकाश उपस्थित होता है उस वाली स्थिति में क्या करना है कि डाई एथिल ईथर में जितने हाइड्रोजन है सभी हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कौन कर देगा हेलोजन कर देगा, और हेलोजन कौन सा यहाँ पर क्लोरीन। तो यहाँ पर देखिए जब भी सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया होगी तो जितने हाइड्रोजन उनका प्रतिस्थापन कौन करेगा हेलोजन, तो तीन हाइड्रोजन थे वहां पर क्या आ जाएगा सीएल थ्री सिंगल बॉन्ड सी Cl2 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड CCl2 सिंगल बॉन्ड CCl3। और साथ में देखिए बाय प्रोडक्ट यहां पर क्या बनेगा, कितने हाइड्रोजन को रिमूव किया 3 2 5 2 7 3 10, तो मीनिंग यहां पर कितने NCl का फॉर्मेशन हो जाएगा 10 NCl। और ये जो स्ट्रक्चर बनी है ना जहां पर आपने एवरी हाइड्रोजन एटम को किससे रिप्लेस कर दिया हेलोजन से, इसको आप बोलते हो पर क्लोरो डाई एथिल ईथर बोलते हो, इसी को आप क्या बोलते हो पर क्लोरो डाई एथिल ईथर, पर क्लोरो डाई एथिल ईथर बोलते हो। तो इसी की संरचना पूछी थी आपसे, और इसका मैंने आपको एडवांस में बता दिया कि अंधेरे में अभिक्रिया होती है तो केवल अल्फा अल्फा पर लगाना है, और जब भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है तो जितने भी हाइड्रोजन है सबको क्या करना आपको प्रतिस्थापित कर देना है हेलोजन से। टोटल यहाँ पर अगर क्लोरीन की बात करोगे तो कितने क्लोरीन काम में आएंगे 20, तो यहाँ पर इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम देखिए, अब यहां से ल्यूकास अभिकर्मक का संगठन लिखिए, मतलब जो ल्यूकास अभिकर्मक है वो उसका संगठन है पूछा, तो ये इंपोर्टेंट है। तो ल्यूकास जो अभिकर्मक उसमें क्या होता है निर्जल तो क्या होता है जिंक क्लोराइड होता है, और सांद्र क्या होता है HCl होता है। इसका भी उपयोग किसमें करते हैं अपन एल्कोहल को विभेद करने में, मतलब कौन है वो आविलता है वो तुरंत उत्पन्न करता है। नेक्स्ट वाला देखिए, फिनोल कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल की अम्लीयता का क्रम में बताइए, तो यहाँ पर फिनोल है कार्बोक्सिलिक अम्ल और साथ में कौन है फिनोल, तीनों की आपको क्या बताना है अम्लीय सामर्थ्य की तुलना करनी है। तो आपको इसके लिए भी देखो मैं एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता हूँ। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी बात करता है ना किसकी अम्लीय सामर्थ्य की, अम्लीय सामर्थ्य की, तो जो अम्लीय सामर्थ्य है वो सबसे ज्यादा किसका होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ सबसे ज्यादा किसका होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का, इसके बाद में नंबर किसका आता है फिनोल का, तो ये मैंने बना दिया फिनोल, और इसके बाद में अम्लीय सामर्थ्य किसका होता है आपके एल्कोहल का होता है, और एल्कोहल के लिए मैंने क्या बना दिया आर ओ एच बना दिया। रीजन क्या है इसका, एल्कोहल में तो अनुनाद उपस्थित नहीं होता है जबकि फिनोल में क्या होता है अनुनाद उपस्थित होता है, और ये जो आपके पास जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना इसमें भी क्या उपस्थित होता है अनुनाद उपस्थित होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या हो गया कि अनुनाद तो फिनोल में भी और अनुनाद तो किसमें आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी है, तो फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो अम्लीय सामर्थ्य अधिक क्यों हो गया, तो इसका रीजन समझना, जो भी कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसकी संरचना किस टाइप से होगी सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर क्या जाएगा आपके पास ओ, और मैंने क्या बताया था जब भी आपको इसकी तुलना करनी हो तो हाइड्रोजन को हटा दीजिए, हाइड्रोजन को हटाने से ऑक्सीजन पर कौन सा आवेश आ जाएगा माइनस वाला आवेश आ जाएगा। सेम टाइप से देखिए यहाँ पर फिनोल के अंदर क्या सीन क्रिएट होगा, जब भी फिनोल के अंदर आप क्या करोगे एक हाइड्रोजन को हटा दोगे ओएच वाले को, तो क्या बन जाएगा ऊपर कौन सा जाएगा माइनस आ जाएगा, इसको क्या बोलते हो फिनोक्साइड, और इसको क्या बोलते हो कार्बोक्सिलेट बोलते हो। तो अनुनाद तो यहां पर भी है और अनुनाद तो क्या है यहां पर भी है, लेकिन जब भी इसके अंदर अनुनाद होगा फिनोल के अंदर, तो जब भी आप नेक्स्ट वाली अनुनादी संरचना बनाएंगे तो उस अनुनादी संरचना में क्या होगा कि जो माइनस आवेश है ना ऋणात्मक आवेश वो कौन से कार्बन पर आ जाएगा कार्बन परमाणु पर, किस प्रकार से आएगा, तो ये देखिए ये वाला यहाँ पर कौन सा आवेश ऋणात्मक है किस टाइप से अनुनाद में भाग लेगा, ये वाला बंध तो इस वाले बंध पर क्या होगा प्रतिस्थापित होगा, और ये वाला बंध क्या होगा यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए किस टाइप की संरचना बनेगी, अब की बार जो ऋणात्मक आवेश कौन से पर आ गया कार्बन परमाणु पर, और यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड था ये किसमें कन्वर्ट हो गया डबल बॉन्ड में, और यहाँ पर कौन आ गया ऑक्सीजन, नेक्स्ट वाले बॉन्ड वो कैसे एज इट है, और जब भी आप इसकी अगर अनुनादी संरचनाएं बनाएंगे तो उस वाली कंडीशन में क्या होगा ऋणात्मक आवेश इस वाली बॉन्ड पर शिफ्ट होगा, और ये वाला बॉन्ड कहां पर शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन की तरह। तो देखिए यहां पर अनुनादी संरचनाएं किस टाइप से बनेगी कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इस वाले ऑक्सीजन पर क्या आ गया माइनस, सिंगल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो गया डबल बॉन्ड में, यहां पर क्या आ गया ऑक्सीजन में। तो देखो अनुनाद तो दोनों में उपस्थित है, लेकिन फिनोल फिनोक्साइड आयन में जो अनुनाद हो रहा है उसमें क्या हो रहा है
ऋणात्मक आवेश है वो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु ऑक्सीजन के साथ साथ कम विद्युत ऋणी कार्बन परमाणु पर भी उपस्थित होता है। जबकि अगर आप बात करते हो कार्बोक्सिलेट आयन में, जो ऋणात्मक आवेश है वो कहां पर उपस्थित होता है? ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित होता है, जो कैसा होता है? अधिक विद्युत ऋणी होता है। तो पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण, यहां पर जो अनुनादी संरचनाएं बन रही है कैसी है? समतुल्य अनुनादी संरचनाएं। तो ये जो दोनों के दोनों संरचनाएं कैसी है? समतुल्य, एक समान अभिक्रिया संरचनाएं है, तो इनको क्या बोलते हैं? समतुल्य अनुनादी संरचनाएं। तो ये भी ध्यान रखना है, जहां पर भी आपको समतुल्य अनुनादी संरचनाओं का निर्माण हो जाता है तो फिर उसका अम्लीय सामर्थ्य क्या होता है? सर्वाधिक होता है। तो ये भी आप रीजन बोल सकते हो कि फिनोल में जो कार्बोक्सिलेट आयन है, सॉरी कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो कार्बोक्सिलेट आयन है उसकी कैसी अनुनादी संरचनाएं बनती है? समतुल्य अनुनादी संरचनाएं, जबकि फिनोल में समतुल्य अनुनादी संरचनाएं नहीं बनती है। तीसरा कारण एक और ये बोल सकते हो कि जो आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल है इसमें कौन सा समूह उपस्थित होता है? कार्बोनिल। कार्बोनिल का मीनिंग क्या होता है? ये वाला सी डबल बॉन्ड ओ वाला। तो इस वाले जो कार्बोनिल समूह, इसका कौन सा प्रभाव होता है? माइनस आई प्रभाव होता है। कौन सा प्रभाव होता है? माइनस आई प्रभाव। माइनस आई प्रभाव तो ये क्या करेगा? ऑक्सीजन परमाणु है इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाएगा? OH बंध की ध्रुवणता बढ़ेगी, और जैसे जैसे OH बंध की ध्रुवणता बढ़ेगी प्रोटॉन का निष्कासन आसानी से हो जाएगा, अर्थात क्या कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता फिनोल की तुलना में क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 से डील करते हैं। सोडियम फिनोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तापमान 400 केल्विन पर गर्म करने पर, और दाब कितना दे रखा है? 4 से 7 वायुमंडलीय दाब पर उत्पाद बनता है, उसका नाम लिखे तथा अभिक्रिया का नाम बताए। तो यहां पर बिल्कुल इजी टाइप की अभिक्रिया है। इस वाले अभिक्रिया में क्या होता है? क्या बोला यहां पर? सोडियम फिनोक्साइड की बात की है। किसकी बात की है? सोडियम फिनोक्साइड। अभी आपको पता है कि फिनोक्साइड है उसकी संरचना क्या होती है? जो फिनोल होता है उसमें से एक हाइड्रोजन उठा देते, मीनिंग क्या बन जाता है? ओ नेगेटिव। ये तो कौन सा हो गया? फिनोक्साइड। सोडियम बोला तो यहां पर कौन सा आ जाएगा? एन ए प्लस आ जाएगा। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवानी है आपको? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। और कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर किस टाइप की होती है? सी डबल बॉन्ड ओ, और यहां पर भी क्या हो जाएगा? सी डबल बॉन्ड ओ। तापमान कितना मेंशन किया आपको? तापमान मेंशन किया है यहां पर, देखिए तापमान की क्या कंडीशन बोली है? 400 केल्विन तापमान। तो यहां पर मैं तापमान को मेंशन कर देता हूं रिएक्शन एरो पर। 400 केल्विन तो तापमान है, और 4 से लेकर 7 वायुमंडलीय दाब है। तो इस वाली अभिक्रिया को आपको ध्यान रखना है कि जब भी सोडियम फिनोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ 400 केल्विन ताप पर और 4 से 7 वायुमंडलीय दाब पर अभिक्रिया करता है तो इसको बोलते हैं कोल्बे अभिक्रिया बोलते हैं। कौन सी अभिक्रिया? ये वाली कोल्बे अभिक्रिया। तो कीप इट इन माइंड, कोल्बे अभिक्रिया में सोडियम फिनोक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 400 केल्विन तापमान तथा 4 से 7 वायुमंडलीय दाब पर क्या करता है? अभिक्रिया करता है। और कोल्बे अभिक्रिया का उत्पाद क्या होता है? सैलिसिलिक अम्ल होता है। और ये नाम अभिक्रिया, तो आपको उत्पाद ध्यान रखना पड़ेगा। यहां पर जो मुख्य रूप से आक्रमण होगा कौन सी स्थिति करेगी? ऑर्थो स्थिति करेगी। तो मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? आपके पास फिनोल ऑप्टेन हो जाएगा, और फिनोल की ऑर्थो स्थिति पर कौन सा समूह लग जाएगा? सी डबल ओ एच समूह लग जाएगा, मीनिंग कार्बोक्सिलिक समूह लग जाएगा। तो जब भी इस वाला टाइप का प्रोडक्ट बनता है तो आप उसको कौन सा एसिड बोलते हो? सैलिसिलिक अम्ल बोलते हो। ये वाला कौन सा अम्ल आपके पास? सैलिसिलिक अम्ल। तो ये ध्यान रखना है। तो यहां पर इसने पहला बात तो क्या पूछा था? उत्पाद कौन सा बनेगा? तो उत्पाद कौन सा बन गया? सैलिसिलिक अम्ल बन गया। और अभिक्रिया का नाम क्या है? कोल्बे अभिक्रिया। तो ये हो गया सो, सैलिसिलिक अम्ल बनता और अभिक्रिया का नाम क्या है? कोल्बे अभिक्रिया। नेक्स्ट देखिए कौन सा नेटेलाइट क्या है। वैसे ये वाला आपके पास रिमूव हो गया, आपकी यूज होते हैं अल्कोहल के, यूजेज को रिमूव कर दिया, लेकिन फिर भी ध्यान रख लेना नेटेलाइट क्या होता है। एल्कोहल और इथर का मिश्रण है। किस किस का मिश्रण होता है नेटेलाइट? तो नेटेलाइट क्या होता है एक्चुअल में? एल्कोहल तथा इथर का मिश्रण है, जिसको किसके स्थान पर प्रयोग किया जाता है? पेट्रोल के स्थान पर क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। तो नेटेलाइट का मीनिंग क्या हो गया? एल्कोहल और इथर का मिश्रण है, जिसका उपयोग किसमें करते हो? पेट्रोल के स्थान पर करते हो। नेक्स्ट वाली अभिक्रिया देखिए, फिनोल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल की अधिक मात्रा में करवाते हैं तो क्या उत्पाद बनेगा? और फिनोल की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ, लेकिन विलायक कौन सा दे रखा है? कार्बन डाइसल्फाइड। तो यहां पर जब भी ये अभिक्रिया होती है तो वहां पर किस टाइप के प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे? तो इसको एक बार अच्छे से देखिए, यहां पर रिएक्शन किस टाइप से आपको प्रोसीड करनी है? फिनोल से अभिक्रिया स्टार्ट करनी है। तो ये लीजिए, मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। सबसे पहले मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है फिनोल, और फिनोल का मीनिंग क्या होता है? एरोमेटिक वलय के sp2 संकृत कार्बन से कौन जुड़ा रहता है? हाइड्रोक्सिल समूह। ये क्या हो गया? फिनोल। दो कंडीशन बोल दी फिनोल के लिए अगले ने,
पहले वाले कंडीशन के अंदर क्या बोला है कि ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करवाई, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर ब्रोमीन मतलब Br2 हो गया और जल का मतलब कौन सा हो गया H2O हो गया। सेकेंड वाली अभिक्रिया में क्या बोला है कि अब की बार भी आपके पास क्या उपस्थित है ब्रोमीन है, लेकिन अब की बार विलायक है ना वो जल नहीं है, कौन सा है कार्बन डाइसल्फाइड है। यहाँ पर विलायक कौन सा, तो विलायक आपके पास उपस्थित है कार्बन डाइसल्फाइड CH2 विलायक है। तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या होगा ध्यान से देखना, जब भी आप अभिक्रिया करवाते हो फिनोल की ब्रोमीन जल के साथ तो हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन है Br+ होगा। तो जितने भी फिनोल की अनुनादी संरचनाओं में जिस जिस स्थिति पर ऋणात्मक आवेश आता है वहां पर क्या टेस्ट कर देना, आपको इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या कर देना है जोड़ देना है। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन है Br+, तो ऑर्थो पर आएगा नेगेटिव चार्ज तो Br ऑर्थो पर जोड़ दिया, पेरा पर आएगा नेगेटिव चार्ज तो पेरा पर जोड़ दिया, तो वापिस ही ऑर्थो पर आएगा तो किस पर जोड़ दिया ऑर्थो पर। तो मतलब यहाँ पर क्या करना आपकी फिनोल को तीनों स्थिति पर ऑर्थो और पेरा तीनों पर क्या लगा दिया ब्रोमीन, इसका नामकरण क्या हो जाएगा नामकरण बिल्कुल ही चीज का नामकरण हो जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, नामकरण क्या हो जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। अब सेकेंड वाली जो कंडीशन है वो कंडीशन ही इंपॉर्टेंट है, कंडीशन में अब की बार वो क्या बोला कि फिनोल की अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में, यहां पर ये वाला जो विलायक ऐसा होता है अधूर्वी विलायक होता है जिसको क्या बोलता है कार्बन डाइसल्फाइड। तो इस वाली कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि यहां पर कितने उत्पाद बन सकते हैं, दो उत्पाद बनेंगे। पहले वाले उत्पाद में तो क्या होगा आपको जहां पर ऋणात्मक आवेश आ रहा है वहां पर जोड़ दीजिए, तो पहले वाले उत्पाद में तो क्या हो जाएगा 2-ब्रोमोफिनोल बन जाएगा, और दूसरा वाला उत्पाद कौन सा हो जाएगा कि ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन स्नेही कहां पर जाकर जुड़ सकता है पेरा स्थिति पर, तो यहां पर पेरा वाला क्या हो जाएगा आपके पास ब्रोमो, तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा 4-ब्रोमोफिनोल, और इस वाले का नामकरण क्या हो गया 2-ब्रोमोफिनोल। और मुख्य उत्पाद कौन सा होता है पेरा वाला, तो ये लीजिए मैंने पेरा वाले को क्या बोल दिया मुख्य उत्पाद बोल दिया, और ऑर्थो वाला कौन सा उत्पाद हो जाएगा अल्प उत्पाद हो जाएगा। तो ये टोटल के लिए किसका है कंडीशन का, ब्रोमीन जल के साथ तो क्या बनता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, और ब्रोमीन और साथ में जब भी आपके पास अधूर्वी विलायक आ जाए तो वहां पर ऑर्थो और पेरा दो उत्पाद बनेंगे जिनमें मुख्य उत्पाद कौन सा होगा पेरा वाला होगा। नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम देखिए क्वेश्चन नंबर 30, लुकास अभिक्रमक से प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में कैसे विभेदित किया जा सकता है। तो आपको सीधा सा ध्यान रखना है कि लुकास अभिक्रमक का अभी अपन संगठन देखकर आए थे, क्या संगठन था निर्जल जिंक क्लोराइड था और साथ में क्या होता था सांद्र HCl, और यहां पर आविलता से सिस्टम चलता। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो भी लुकास अभिक्रमक है वो तृतीयक एल्कोहल के साथ तो क्या करता है तुरंत अभिक्रिया करता है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी लुकास अभिक्रमक है वो तृतीयक एल्कोहल के साथ क्या करता है तुरंत अभिक्रिया करता है, और क्या प्रकट होती है आविलता प्रकट हो जाती है टर्बिडिटी उत्पन्न हो जाती है। और अगर आप बात करते हो द्वितीयक एल्कोहल के साथ आविलता प्रकट होने में कितना समय लगता है 5 मिनट का समय लगता है, और जब आपके पास प्राथमिक एल्कोहल उपस्थित है तो ये कमरे के ताप पर अभिक्रिया नहीं करता है। तो कुल मिलाकर आप लुकास अभिक्रमक की सहायता से तीनों एल्कोहल को क्या कर सकते हो विभेदित कर सकते हो। प्राथमिक एल्कोहल वो लुकास के साथ अभिक्रिया नहीं करता है मतलब आविलता उत्पन्न नहीं होती है, द्वितीयक एल्कोहल वो लुकास अभिक्रमक के साथ अभिक्रिया करके आविलता प्रकट करता है, लेकिन प्रकट होने में कितना समय लगता है आविलता को 5 मिनट का समय लगता है। और जब तृतीयक एल्कोहल वो क्या करता है लुकास अभिक्रमक के साथ तुरंत अभिक्रिया करता है और तुरंत क्या होती है आविलता प्रकट हो जाती है। नेक्स्ट वाला देखिए, फिनोल से पेरा हाइड्रोक्सी बेंजिल LDL कैसे प्राप्त करोगे। अब इसकी स्ट्रक्चर देखिए क्या बोला पेरा हाइड्रोक्सी बेंजिल LDL, तो यहाँ पर देखिए पहली बात तो बेंजी LDL बोला तो इसका मीनिंग क्या है कि जो भी बेंजीन है ना उसे आप क्या अटैच कर दीजिए CNO, तो ये तो क्या हो गया बेंजी LDL हो गया। अब इस बेंजी LDL की कौन सी पोजीशन पर पेरा हाइड्रोक्सी, पेरा का मीनिंग क्या होता है 1,4, तो ये 1,2,3,4, तो पेरा पर कौन सा ग्रुप अटैच करना आपको हाइड्रोक्सी, आपको क्या करना है कि फिनोल है उसको किसमें कन्वर्ट करना है पेरा हाइड्रोक्सी बेंजिल LDL में कन्वर्ट करना है। आपसे ये पूछना चाह रहा है कि जो भी फिनोल है उसका कन्वर्जन किस टाइप से आप पेरा हाइड्रोक्सी बेंजे LDL में करोगे। तो यहां पर देखिए दो रिएक्शन है आपके पास, एक तो गाटरमान अभिक्रिया के द्वारा कर सकते हो, दूसरा किसके द्वारा राइमर-टिमान अभिक्रिया के द्वारा। दोनों अभिक्रियाओं में क्या होता है कि जो फिनोल होता है ना आप उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो पेरा हाइड्रोक्सी बेंजे LDL में कन्वर्ट कर सकते हो। तो पहला देखिए अपन किसको डिस्कस करते हैं गाटरमान अभिक्रिया को। तो देखिए गाटरमान अभिक्रिया में क्या सीन बनेगा, यहां से ये वाले वन बोन का क्या करना आपको ब्रेकडाउन करना, जैसे वन बोन का ब्रेकडाउन करोगे तो यहाँ पर नाइट्रोजन की विद्युतीयता क्या अधिक है, तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन घनत्व किस साइड शिफ्ट हो जाएगा नाइट्रोजन की साइड।
जैसे नाइट्रोजन की साइड शिफ्ट करेगा ये वाला बॉन्ड, तो कार्बन पर तो कौन सा आवेश आ जाएगा, पॉजिटिव, और नाइट्रोजन पर कौन सा आ गया, नेगेटिव। हाइड्रोजन क्लोराइड में क्या होता है, हाइड्रोजन पर प्लस वन होगा और क्लोरीन पर क्या होगा, माइनस वन होगा। अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में हो रही है, जिंक क्लोराइड में, तो यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा, एच सिंगल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में। नाइट्रोजन पर कौन सा आवेश आया, ऋणात्मक, कार्बन पर कौन सा है, धनात्मक, तो यहाँ से नाइट्रोजन से तो कौन जुड़ जाएगा, प्लस वाला, प्लस वाला कौन है, हाइड्रोजन, तो देखो यही तो बनाया, नाइट्रोजन से तो क्या अटैच कर दिया, हाइड्रोजन, और कार्बन पर कौन सा आवेश है, प्लस, तो प्लस से कौन जुड़ेगा, माइनस, तो माइनस वाला कौन है, क्लोरीन, ये वाली रिएक्शन होगी। अब इसमें देखो फिनोल की बात की, तो ये रहा फिनोल, फिनोल की अभिक्रिया करवा दिया आपने, जो भी इंटरमीडिएट बन रहा है यहाँ पर, जैसे ये अभिक्रिया होगी तो इस वाली कंडीशन में क्या होगा कि जो पैरा स्थिति है ना वो क्या करती है, मुख्य रूप से आक्रमण करती है। तो जब भी आप फिनोल की अनुनादी संरचनाएं बनाओगे तो वहां पर और तो और पैरा पर कौन सा आवेश आता है, ऋणात्मक, तो यहाँ से क्या सीन क्रिएट होगा कि जो पैरा वाला, जो पैरा पर जो ऋणात्मक आवेश है ना वो कहां पर आक्रमण करेगा, इस वाले कार्बन पर, और यहाँ से कौन बाहर चला जाएगा, क्लोरीन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा, फिनोल और फिनोल की पैरा स्थिति पर कौन अटैच हो गया, सी एच डबल बॉन्ड NH, तो ये देखिए कौन अटैच हो गया, सी एच डबल बॉन्ड NH, आप इसी को क्या बोलते हो, एल्डिहाइड बोलते हो, जो क्या होता है, मध्यवर्ती होता है इस अभिक्रिया का, मतलब जो भी गाटरमान अभिक्रिया है इसका मध्यवर्ती कौन सा होता है, एल्डिहाइड होता है, इसको क्या बोलते हो, एल्डिहाइड बोलते हो। नेक्स्ट वाला देखिए, अब इसका क्या करवा दीजिए, जल अपग्रहण, जल अपग्रहण करवाने का तरीका मैंने आपको बता रखा है कि जब भी डबल बॉन्ड को आप एक साथ ब्रेक डाउन करते हो तो एक साइड तो क्या आता है, ऑक्सीजन, और एक साइड क्या आता है, हाइड्रोजन। तो यहाँ से देखिए कम विद्युत ऋणी कौन था, कार्बन, तो कार्बन की साइड तो कौन आ गया, ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन की साइड क्या आ गया, दोनों हाइड्रोजन, कौन सी गैस ली जाएगी, यहाँ से NH3 यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CHO, तो ये देखिए ये बना दिया आपने, पेरा हाइड्रोक्सी बेंजील डी। नेक्स्ट वाला देखिए, एस्टरीकरण के प्रति विभिन्न अल्कोहल की सुगमता का क्रम दीजिए। पहले तो आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि एक्चुअल में एस्टरीकरण क्या होता है और किस प्रकार से उसके लिए क्रम आता है। तो ये देखिए एस्टरीकरण अभिक्रिया में आपको हमेशा ध्यान रखना है क्या सीन क्रिएट होता है, जब भी बात आती है ना किसकी, एस्टरीकरण अभिक्रिया की, तो एस्टर का निर्माण करने की अभिक्रिया है, कैसे होता है एस्टर का निर्माण, हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको एस्टर बनाना है तो सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ करवा दीजिए, एल्कोहल के साथ, जो भी कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसकी अभिक्रिया किसके साथ करवा दीजिए, एल्कोहल के साथ। और माध्यम कौन सा लेना है, अम्लीय माध्यम लेना है, कौन सा मीडियम लेना है, एंच प्लस मीडियम लेना है। और यह अभिक्रिया कैसी होती है, एक्चुअल में उत्क्रमणीय प्रकार की होती है, तो ये मैंने कौन सा सिंबल बना दिया, उत्क्रमणीय का। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी एस्टरीकरण की अभिक्रिया होती है तो वहां पर हमेशा कार्बोक्सिलिक अम्ल से तो कौन जाएगा, OH समूह, और एल्कोहल से कौन सा जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा, क्योंकि यहाँ से रिमूवल कौन निष्कासित होगा, H2, तो यहाँ पर देखिए क्या इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड OR, इसका निर्माण हो गया C डबल OR का, मीनिंग इसी को क्या बोलते हो, एस्टर बोलते हो। और सह उत्पाद कौन सा बन जाएगा, बाहर कौन चला गया, जल का अणु चला गया, लेकिन जल का अणु कैसे बाहर जा रहा है ये ध्यान रखना है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल से तो OH और एल्कोहल से कौन जाएगा, H। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा कि एस्टरीकरण की अभिक्रिया इसमें एल्कोहल की सक्रियता का सुगमता का क्रम बताइए, तो एल्कोहल से कौन जा रहा है, H, और जब भी एल्कोहल वो हाइड्रोजन को दान कर रहा, तो मतलब यहाँ पर जो एल्कोहल है वो किसकी तरह व्यवहार करेगा, अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। और एल्कोहल की अम्लीयता का क्रम अभी आप देख रहे हो, सबसे ज्यादा अम्लीय प्रकृति का कौन सा होता है, प्राथमिक, उसके बाद में द्वितीयक, और उसके बाद में कौन सा होता है, तृतीयक होता है। तो सुगमता का क्रम सबसे ज्यादा एस्टरीकरण की अभिक्रिया में सक्रियता कौन दर्शाएगा, प्राथमिक एल्कोहल, फिर द्वितीयक एल्कोहल, उसके बाद में तृतीयक एल्कोहल। तो देखिए हो गया सवाल सोल्व, तो एस्टरीकरण के प्रति विभिन्न एल्कोहल की सुगमता का क्रम कौन सा जाएगा, सबसे ज्यादा कौन करेगा, प्राथमिक एल्कोहल करेगा, उसके बाद में द्वितीयक एल्कोहल, और सबसे न्यूनतम एस्टरीकरण अभिक्रिया कौन प्रदर्शित करेगा, तृतीयक एल्कोहल प्रदर्शित करेगा, उदाहरण के साथ बता दिया। नेक्स्ट वाला सवाल देखिए, डाई एथिल ईथर का IUPAC नामकरण दीजिए। डाई एथिल ईथर क्या होता है, CH3 CH2 ऑक्सीजन CH2 CH3। तो यहाँ पर आपको जब भी मैंने अंडरस्टैंड करवाया था तो वहां पर बोला था कि जिसमें कार्बन की संख्या कम हो उसको ऑक्सीजन के साथ आप जोड़कर क्या बोल देते हो, एल्कोक्सी बोल देते हो। तो यहाँ पर कितने कार्बन है, दो के लिए किसका यूज करते हो, एथ का, और ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है तो क्या बोल दोगे आप इसको, एथोक्सी। तो ये तो क्या हो गया, एथोक्सी। उसके बाद में ये देखते हो जो भी रिमेनिंग पार्ट रह गया उसमें कितने कार्बन है, 1, 2, 2 को क्या बोलते हो, एथ, और कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बनता है, एकल बंध। तो यहाँ पर अनुलग्न क्या लग जाएगा, एन। तो इसका IUPAC नामकरण क्या हो जाएगा, एथोक्सी इथेन। ये तो प्रतिस्थापित समूह हो गया एथोक्सी, और ये क्या हो गया, आगे मूल श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या। तो जो भी डाई एथिल ईथर है इसका IUPAC नामकरण क्या होता है, एथोक्सी इथेन होता है। नेक्स्ट वाली अभिक्रिया देखिए, हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण अभिक्रिया से प्रोपेन 1-ol कैसे प्राप्त करोगे। मतलब यहाँ से आपके तीन अभिक्रियाएं होती है जिसमें आप एल्किन से क्या प्राप्त करते हो, एल्कोहल। तो ये पहली अभिक्रिया जिसमें कौन सी होती है,
हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण। तो यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि जो भी एल्की है ना उसकी विक्रिया करवाती है बोरीन के साथ, बोरीन का मतलब क्या है BH3। दूसरी लैंग्वेज आप यहां पर और किसके साथ रिएक्शन करवा सकते हो, डाइबोरीन। डाइबोरीन का फॉर्मूला क्या होता है, B2H6 के साथ। तो जैसे ये विक्रिया होती है तो वहां पर कितने अणु आकर जुड़ जाते हैं एल्काइल के, 3। तो यहां पर देखिए किसका निर्माण होता है, ट्राई एन प्रोपिल बोरेन। मतलब यहां पर कितने एल्किल आ गए, 3 एल्किल, और आपको कौन किसको बनाना है, प्रोपेन को। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा, प्रोपिल, और क्या हो जाएगा, बोरेन हो जाएगा। तो यहां पर निर्माण किसका हुआ है, ट्राई एन प्रोपिल बोरेन का। इसके बाद में आपको क्या करवाना है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण कौन करता है, यहां पर हाइड्रोजन प्रोक्साइड करता है, और कौन से माध्यम में करता है, क्षारीय माध्यम में। मतलब यहां पर आपको आवश्यकता किसकी है, OH- की आवश्यकता है। तो जैसे यहां पर ऑक्सीकरण होगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तीनों के तीनों बंद तोड़ दीजिए। यहां पर किस टाइप से बोन का बंद टूटेंगे, यहां पर भी OH आ जाएगा और इस साइड भी क्या आ गया, OH ही तो हो गया पहले वाले बॉन्ड के लिए। सेकंड वाले बॉन्ड के लिए इधर भी OH आएगा और इधर भी क्या आ गया, OH। और थर्ड वाला बॉन्ड जब भी आप बोरोन और कार्बन का ब्रेकडाउन करेगा तो यहां पर भी OH आ जाएगा और यहां पर भी क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो कितने मॉलिक्यूल एल्कोहल के बन जाएंगे, 3 मॉलिक्यूल। तो देखिए यही तो बना है, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 क्या अटैच हो गया, OH। ये देखिए तो ये किसका फॉर्मेशन हो गया, प्रोपेन 1 और का। साथ में बाई प्रोडक्ट देखिए क्या बनेगा, B और OH का कितना आ गया, थ्राइस, 1, 2, 3। तो ये मैंने क्या लिख दिया, BOH थ्राइस लिख दिया। आज का लेक्चर ये फिनिश करते, अगर लेक्चर में कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स और क्लास के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।